हेल्प मिलेगा। शैनो स्पोर्टिंग एफसी को तो धीमा फुटबॉल चलता हुआ, उत्साह अभी बाकी। दूसरे हाफ में तेजी देखने को मिलेगी दोनों टीम की ओर से। तो पहले हाफ का खेल दोनों ही टीमें शून्य शून्य की बराबरी पर। लंबा किक लिया समीर जर्सी नंबर। ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसको पूरा दम खम से बाकी के पूरे फोर्स से हमारे मोहम्मद सर जो NIS कोच है और हमारे एसोसिएशन के जो रेफरी भी है, यहाँ पर जो छावनी में फुटबॉल का एक क्रेज बहुत बड़ा था, उसको चार चांद लगाने का काम मोहम्मद सर ने किया। उनको बढ़ावा देके हमने हमारे तरफ से रखमा जी जाधव और डिलक्स फूड प्रोडक्ट के मालिक श्री अशफाक खान, करण सिंह जी काकस और छावनी मित्र मंडल की तरफ से ये फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। उसको सक्सेस करने में नोबेल अकेडमी इन्होंने हर तरीके की मदद की। यहाँ पर आयन स्पोर्ट्स ने भी मदद की। मैं नोबेल एकेडमी का और आयन स्पोर्ट्स का और ख़ास करके हमारे NIS कोच मोहम्मद सर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसी तरीके से हमारे छावनी के और औरंगाबाद शहर के फुटबॉल प्रेमी को, फुटबॉल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर मोहम्मद सर जो NIS कोच है उनकी हमेशा एक जिद रहती है। और यहाँ पर अच्छे डिसिप्लिन के साथ में यहाँ आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें यंग स्पोर्टिंग विजयी रही। कल का जो फाइनल होने जा रहा है वो कलीम कुरैशी 11 वर्सेस यंग स्पोर्टिंग 11 का है, और जो 3 बजे उनको रिपोर्टिंग करना है, 3:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दर्शकों ने भी उतना ही उत्साह बताया अपने प्लेयरों के खातिर। कल फाइनल जो होने जा रहा है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करें, ऐसा मैं विनंती करता हूँ। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया है उनके तरफ से श्री मोहम्मद सर का फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।